रेडी हो चुकी हूँ और मैंने आज बनवाया डिफरेंट सा हेयर स्टाइल। और भाई मेरी बिटिया रानी है तो मुझे कोई चिंता नहीं है भाई, ऑसम। इस पर मैं आग बंद करके ट्रस्ट करती हूँ। और इसको मैंने जल्दी जल्दी घर बुलाया, मैं कहा भाई बना दे मेरा। और भाई मैं अभी तैयार होकर दिखाऊंगी, कुछ बहुत ही शानदार बनाया है, सही में बहुत ही शानदार बनाया। थैंक यू बच्चा। अगर किसी को बनवाना हो तो प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना, सही में भाई मस्त मजा आ जाता है सही में। दिखाओ अभी तो मैं प्रॉपर तैयार भी नहीं हुई हूँ, और मैं दिखा दूंगा अभी। गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता वर्मा ब्लॉगर। गाइज कैसे, आई होप सो अच्छे स्वस्थ। और गाइज मैं आज है तीज का फंक्शन, मैंने कल ब्लॉग डाला था आपके लिए भाई। वो फंक्शन भाई ऑर्गेनाइज हमें क्या है, और स्कूल की तरफ से फंक्शन है, बस हमने तैयारियां करनी है। और भाई मस्त और तैयार हो चुकी हूँ मैं, बहुत अच्छा जाए प्रोग्राम। और सबसे पहले तो आप सबको तीज की हार्दिक 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 शुभकामनाएं, सब लेडीज को सबका सुहाग बना रहे। तो गाइज ये देखिए हमारी दीदी तीज के लिए हो गई है तैयार, घूम के दिखाइए प्लीज। ये रहा लहंगा। आज तो गाइज कोई शादी का फंक्शन होता था मैं उसमें चली जाती, और क्या दो काम एक साथ हो जाते। नहीं अच्छा लगा भाई, मेरा लहंगा कैसा लग रहा है बताना प्लीज कमेंट्स करके। अच्छा लग रहा है रेडी। और निकलते भाई, फोन आने शुरू हो जाएंगे अभी। निकल गए करके बस पहुंच गए, मैम का अभी आ गया, जल्दी आ जाओ बाहर। आ गए गेस्ट, आ गए तुम नहीं आए हो, ऑर्गेनाइजर यहाँ है। गेस्ट आ गए, गेस्ट आ गए भाई। बच्चे बैठे हैं मेहंदी लगाने के लिए। हेलो बच्चों, हेलो। अरे वाह, तुम भी लगाते हो मेहंदी भाई? मेहंदी आर्टिस्ट बैठे हैं, बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे बच्चे हमारे। आप भी मेहंदी लगाओगे? अच्छा हमारी शुभम भाई और मैम को बुलाना चाहूंगी, मैं आए और मैम का स्वागत करें। और मातृ भारती से विनीता वर्मा जी आप भी आए। मैम हमारी तरफ से आपका स्वागत है माता, आपने हमें ये मौका दिया, हमारे ऊपर विश्वास दिखाया। धीरज धरले माटे सब चा
आप सभी के सहयोग से ही ये गठन हमारा संभव रहा। Thank you.
थैंक यू मैम। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत। और बैलून फोड़ के कैसा फील हुआ? बहुत बढ़िया। जी मैम।
छोले भटूरे खा लेते सबसे आगे आ जाओ भैया, छोले भटूरे खा लो, छोले भटूरे भाई, छोले भटूरे आ गए हम खा रहे मस्त। सावन का महीना पवन करे शोर, जियर मर घूमे हो ऐसे जैसे मन माना से मोर, तो पड़ गए हो हम वकीला। हम आ गए भाई, बुरा आलू हो पड़ा है, पसीनों में लतर पतर। जब कुछ होता ना तो हमें पसीने से कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जब फंक्शन खत्म हो जाता ना तो पसीने वसीने सब आ जाते हैं भाई। पहले मैं पीती हूँ ठंडा ठंडा पानी, बहुत प्यास लग रही है। तो भाई थोड़ी देर सो गए थे गाइज,
भाई भैया मैसेज टू 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 बजा रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं भाई, मस्त मजा आया, बहुत अच्छा फंक्शन हुआ, बस मजा ही आ गया। और गाइज थकान हो गई भाई, बहुत ज़्यादा वाली थकान हो गई है क्योंकि कई दिन से लगे पड़े थे और आज फंक्शन की अलग, और भाई घर सारा फैला पड़ा है भाई। तो मैंने सो गई थी थोड़ी देर, सो के उठी, फिर मैंने चढ़ाए छोले, मैदा गूंदी, खीर बना लिया मैंने, और बस बहुत थकान हो रही है, लेकिन फंक्शन बहुत अच्छा, मज़ा आ गया, सही में मज़ा ही आ गया। हाँ भाई भाई हेयर स्टाइल करवा लो, लेकिन उसे खोल ले मैं, एक घंटा लग गया मुझे पिन निकालने भाई, लेकिन मस्त आज बहुत, मतलब बहुत इंजॉय किया। तीज का फंक्शन पे ना पता है ऐसे लगता है कि हम जैसे नॉर्मली घर बनेंगे तो कुछ करेंगे नहीं, एक खाना बना के खा लेंगे, लेकिन देखो फिर हम पूरा सोलह सिंगार तैयार हो जाते हैं इस बहाने से, और भाई अपने लिए टाइम निकालते हैं, ठीक है, अपना इंजॉयमेंट करते हैं, जो भी त्यौहार मनाते हैं अच्छे से, तो मज़ा आ जाता है सही में। तो बस मैं फ़िलहाल बनाती हूँ खाना, छोले छोंकने रहे हैं और उबाल लिए थे मैंने, खीर बना लिया और मैदा गूंद दिया भटूरों की, तो मैं बना रही हूँ छोले भटूरे और खीर, रायता तो बनेगा नहीं खीर के साथ, कि सावन का महीना चल रहा है, हमें त्यौहार भी चला, आज खीर बना देते हैं भाई, पता नहीं कि सीरियस से भारी भारी हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाला बन चुके हैं, मैदा गूंद चुकी है, बस ये छोले हमने छोंक के बाकी।